क्लास 12 मैथमेटिक्स में हम चैप्टर नंबर 5 आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 चैप्टर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, इसकी एक्सरसाइज 5G पे है और 5G एक्सरसाइज है कंपोजिट फंक्शन की। और उसमें कल हमने दो तरीके बताए थे इसके, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक चैन रूल। तो सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन तो हमने कल कराए थे। चैन रूल चलेगा, चैन रूल को हिंदी में बोलते हैं श्रृंखला नियम। इसमें चैन के रूप में एक फंक्शन का फिर दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है। अब आप इसको चैन रूल को सीखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं हम 11। एक तो जब हमारे क्वेश्चन में एंगल जो होगा डिग्री में होगा उसके पहले हम रेडियन बनाते हैं, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन हो गया वाई इक्वल टू साइन पाई एक्स अपॉन 180। अब इसका डी वाई बाई डी एक्स करेंगे डायरेक्ट, इसमें टी वाला सिस्टम नहीं है। तो साइन एक्स का होता है कोस एक्स, इसको एक्स की जगह मानेंगे साइन एक्स का कोस एक्स। फिर जिसको एक्स की जगह सोचते चले हैं इस पूरे ब्रैकेट का डिफरेंशियल इनटू होगा बराबर, जो भी फार्मूले में एक्स की जगह आएगा जैसे साइन एक्स का कोस एक्स जानते हैं, एक्स की जगह जो आ रहा होगा उसका डी वाई डी एक्स बराबर में करना है इनटू। जैसे कि यहाँ साइन एक्स होता तो साइन एक्स का कोस एक्स हो जाता, अब एक्स की जगह आ रहा है हमारा ये वाला, तो इसका डी वाई डी एक्स यहाँ बराबर में करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं चैन रूल। साइन एक्स का कोस एक्स यानी कि कोस पाई एक्स अपॉन 180, पाई एक्स अपॉन 180 का डी वाई बाई डी एक्स करेंगे वो आ गया पाई अपॉन 180 और एक्स का हो गया 1। ये इसका आंसर आ गया। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 है, 12 बिल्कुल ऐसे ही है, वो कोस एक्स डिग्री का बिल्कुल सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 13 वाई इक्वल टू लॉग कोस एक्स, यहाँ फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो आप इसको लॉग एक्स सोच के करिए। अगर लॉग एक्स होता तो आप इसका डिफरेंशियल करते डी वाई बाई एक्स, लॉग एक्स करते आप 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह लिखा जाए कोस एक्स, फिर कोस एक्स का डिफरेंशियल करना पड़ेगा इनटू जो एक्स की जगह रखा है फंक्शन में उसका डिफरेंशियल इनटू करना पड़ेगा। तो 1 अपॉन कोस एक्स इसकी जगह माइनस के साइन एक्स ये हो गया माइनस के टेन एक्स, इसका आंसर आ गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 वाई इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स, वाई इक्वल टू साइन एक्स की पावर 1 बढ़ा दो। तो इसमें हमने हमारा जो फंक्शन है वो साइन एक्स है, इसको हम एक्स की पावर 1/2 की तरह करेंगे। अगर एक्स की पावर 1/2 होता तो फिर क्या करते हैं हम 1/2 आगे इस ब्रैकेट की पावर 1/2 - 1, ये तो पावर का हो गया। अब क्योंकि वहाँ एक्स नहीं है, एक्स की जगह क्या फंक्शन है साइन एक्स, उसका डिफरेंशियल इनटू में करेंगे। तो यहाँ पे आ गया 1/2 साइन एक्स की पावर 1/2 - 1 माइनस के हाफ साइन एक्स का डिफरेंशियल हो गया कोस एक्स, इसको 1/2 एलिटी, ये माइनस की पावर है नीचे जाएगी तो रूट में प्लस का हो जाएगा और ये होगी कोस एक्स। तो ये इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 में भी फंक्शन के अंदर फंक्शन दे रखा वाई इक्वल टू टेन रूट एक्स, अगर वाई इक्वल टू टेन एक्स होता बल्कि तो sec स्क्वायर एक्स होता है इसका, तो एक्स की जगह जो फंक्शन चल रहा हमारा रूट एक्स, तो बिल्कुल पहले ही तरह करेंगे डी वाई बाई डी एक्स टेन एक्स सोच के करेंगे इसको टेन एक्स, टेन एक्स का होगा sec स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह क्या चल रहा रूट एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशियल करेंगे sec स्क्वायर एक्स दूंगा तू 1/2 एक्स की पावर 1/2 - 1 sec स्क्वायर एक्स रूट एक्स दूंगा तू 1/2 इसकी पावर माइनस के आप उसकी नेक्स्ट स्टेप में और नीचे ले जाएंगे प्लस की हो जाएगी तो नीचे है 2 और ये जाकर हो जाएगा रूट एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में वाई इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स, ये भी ई की पावर एक्स का फार्मूला पता है, ये है ई की पावर साइन एक्स, तो यहाँ भी हम डी वाई बाई डी एक्स करेंगे। पहले हम ई की पावर एक्स के हिसाब से ई की पावर साइन एक्स में ई की पावर साइन एक्स करेंगे, फिर साइन एक्स का इनटू में डिफरेंशियल करेंगे। यहाँ इसका डिफरेंशियल था साइन एक्स का, साइन एक्स का डिफरेंशियल हो गया कोस एक्स, इसका आंसर आ गया। ये आपको सामने करके धारा इसको, ये है टेन और ये फंक्शन है, तो अगर ये टेन एक्स होता तो हम इसका करते सेक स्क्वायर एक्स की जगह क्या चल रहा ई की पावर एक्स प्लस 5, तो डी वाई डी एक्स करना पड़ेगा बराबर में ई की पावर एक्स प्लस 5 का। यहाँ आएगा सेक स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस 5 और ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स और 5 का डिफरेंशियल 0, तो आपका आंसर आ जाएगा ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस 5 आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 22 तक के मैंने बता दिए हैं, आप बीच में बीच बीच में क्वेश्चन छुटा है वो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे की वीडियो आपको मिलती रहे और कंटिन्यूसली अपना काम करते रहिए।